हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। कितना टाइम हुआ है? 10:15 और आज डे है 11th of December 2021 सैटरडे। और मैं हूँ कहाँ पर? एडिलेड में। और बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया कि आप बाहर घूमने नहीं जाते, हमें नाइट लाइफ नहीं दिखाते एडिलेड की। तो आज आपको सिटी लेके जा रहा हूँ, चलिए मेरे साथ साथ। और एक और बात, जो बंदे वेजिटेरियन हैं, पूरे वेजिटेरियन, एग भी नहीं खाते मेरे जैसे, उनके लिए एक ऐसी शॉप लेके आया हूँ। ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है वो, मुझे भी थोड़े देर पहले ही पता लगा है। सारी चीज़ें वहाँ पर आपको 101% वेजिटेरियन, स्वादिष्ट और आपके मुंह में पानी आ गया होगा, एगलेस, लिखा होगा बीफ, लेकिन एक्चुअल में मैंने उनसे पूछा, कहते हैं हमारे यहाँ पर कोई बीफ नहीं है, 100% वेजिटेरियन है और एग का भी इस्तेमाल नहीं करते, तभी तो मैं वहाँ पर जाता हूँ। तो सबसे पहले हम घूमते हैं सिटी, देखते रहिए, चलते हैं। तो मुझे अभी राइट मुड़ना है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि आगे से राइट नहीं मैं ले सकता हूँ, मुझे करनी है कार पार्क। ओके, सैटरडे और संडे में जो पार्किंग की रेट होती है अभी आज की डेट में 2.50 और 2.80 होती है डॉलर्स, ठीक है। और रात को ये संडे के ऊपर ये फ्री हो जाती है सैटरडे में। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये एडिलेड सिटी है, सिटी थोड़ी सी छोटी है, और राइट साइड के ऊपर देखना यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाई देगी। मैं अभी राइट साइड के ऊपर मुड़ने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अभी मेरा सिग्नल नहीं आया है। सैटरडे नाइट बहुत ही अच्छी होती है यहाँ पे। ये देखिए सामने जो यूनिवर्सिटी देख रहे हो ना आप, ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया है, 50 का जोन है। तो अभी मुझे यहाँ पर पार्किंग के लिए ढूंढनी पड़ेगी जगह। तो आप भी जब यहाँ पर आओ, संडे को फ्री होती है पार्किंग, रात को कोई दिक्कत नहीं है। मैं बड़ी देर बाद आया हूँ यहाँ पे अपनी गाड़ी लेके, और अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, बसेस चलती हैं, सेफ है बसेस भी, आते ही एक कार्ड बनवा लेना मेट्रो कार्ड, उसके अंदर पैसे डल जाते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर लोग कैश नहीं ले रहे हैं बसेस वाले कोरोना के चलते। जब मैं आया था 2019 में तब वो कैश ले रहे थे, लेकिन कोरोना करके उन्होंने बंद कर दिया। तो अभी हम लेफ्ट मुड़ेंगे, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड आने वाली है सामने, देखिए थोड़ा सा अंधेरा है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड का बैक साइड है, ठीक है। यहाँ पर भी पार्किंग आपको मिल जाएगी आराम से, ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है मेरे, लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आप पार्किंग लगा सकते हो। ये क्या है, बैंड? ओके, तो यहाँ पर पार्किंग थोड़ा सा मिलना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो अगर आप जब यहाँ पर आओ अपनी गाड़ी में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि बस में आओ, सीधी बस मिल जाती है तो, अदरवाइज आप गाड़ी में आओ और मुझे मुड़ना है लेफ्ट, यहाँ पर मैं पार्क करूँगा गाड़ी को, ठीक है। अभी देखेंगे जगह मुझे मिलती है कि नहीं मिलती, अभी तो इतना खाली है, अभी रश नहीं है इतना, तो कई बार तो रश में जगह नहीं मिलती। मैं आगे जाऊँगा, अभी तो जगह खाली है, मुझे आगे जाना है, ठीक है। तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, अगर मुझे जगह मिल जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मुझे पीछे जाना पड़ेगा। 25 की स्पीड आ गई है भाई, ये मिल गई मुझे जगह,
इसी तरह आप आओगे, ये देखो ये सिटी है सारी, यहाँ पर पार्किंग मिलेगी आपको। वो सामने जो लगा हुआ ना मशीन, वो काटती है आपके पैसे, ठीक है। तो अभी संडे को तो फ्री है, ये देखिए 8 से 6 बजे तक एनी डे टिकट लगेगी। सैटरडे संडे थोड़ी सी कम होती है और उसके बाद ये फ्री हो जाती है, ऐसे साइन बोर्ड लगे होते हैं आपके, राइट। तो ये है मशीन जहाँ पर आपके पैसे कटेंगे, अभी मुझे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एडिलेड का जो सिटी है ना, वो ना अगर आप मेट्रो सिटी से कंपेयर करोगे तो बहुत छोटा है, लेकिन सही है। आप भी इसी जगह पर घूमोगे अगर आप एडिलेड आते हो तो। क्रिसमस का पूरा जोर है, ये देखो आगे जाएंगे हम। सही है, बिल्डिंग चेक कर लीजिए। साथ में हेलमेट भी मिलेगा, ये देखिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको। और अगर हम इधर की तरफ चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो ये ट्रैम है सामने, और ये देखिए बिल्डिंग कितनी बड़ी है, बहुत ही अच्छा नज़ारा रात को देखने को मिलेगा। ये क्या आ रहा है भाई, ये एम्बुलेंस है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये स्टेट लाइब्रेरी है सिटी में, ओके। बहुत ही अच्छा नज़ारा, पूरा सिटी आज आपको घुमा रहे हैं, स्टेट लाइब्रेरी। आराम से घूमिए, अभी तो 10:15 बजे हैं रात के। जैसे जैसे रात होती जाएगी सैटरडे नाइट में और बंदे आते रहेंगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर आओ तो आप पूरा नज़ारा ले सकते हैं यहाँ पे। ये टिफनी एंड कंपनी का शोरूम भी है यहाँ पे, और ऐसे स्कूटर्स भी मिलते हैं आपको अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। ये कोड स्कैन करो, एप्लीकेशन भरनी पड़ती है, पैसे पे करो और निकल जाओ। यहाँ पर लोग बहुत चलाते हैं, जब मेला लगता है तो यहाँ पर आते हैं। देखो बॉर्डर खुलने वाले हैं, ठीक है, लोग यहाँ पर आएंगे, उन्हीं की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ। ये देखो बैकग्राउंड के पीछे, बैकग्राउंड पे मेरे, सही है आज। अभी मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पर मेन सिटी है, ये भी सिटी है लेकिन अंदर लेके चलता हूँ। ये साउथ ऑस्ट्रेलियन म्यूज़ियम है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी एंट्री होती है, मैं भी गया था, ये आपने वीडियोस में देखा होगा। अभी यहाँ पर काम चल रहा है वैसे तो, यहाँ पर भी पार्किंग है, ठीक है। ये म्यूज़ियम है, सामने देख रहे हो ना, ये वाला पूरे दर्शन करवा देंगे हम आपको। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड है, ठीक है, बिल्कुल सिटी के बीच में। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड का सामने यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं सामने सिटी के अंदर। वैसे हैरानी वाली बात है, क्रिसमस जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाले गर्मी में मनाते हैं, मतलब ये देखिए कितनी रात को चमक आई हुई है, लाइटें बंद नहीं होती यहाँ पर, वो क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। ये देखो मैं जूम करता हूँ, वो क्रिसमस ट्री है,
सिटी में ANZ बैंक भी है, देख सकते हैं। यहाँ पर लाइटें बंद नहीं है, रात के 10:30-11 बज गए, लाइटें बंद नहीं है। ये क्रिसमस का तैयारी की हुई है, देखो कितना सजा हुआ है, मज़ा आ रहा है। ये बॉल्स आपको कई बार दिखी होंगी सिटी में, फोटो देखोगे ना गूगल पे आपको दिखेगी ये बॉल्स, एडिलेड सेंट्रल प्लाजा। और ये कॉटन ऑन है, और सामने रंडल मॉल है। लो जी खर्चा आ गया जी, सफोरा का भी ब्रांड यहाँ पर है। ये रोज ऐसा ही होता है, ये एप्पल का शोरूम, लाइटें बंद नहीं होती हैं। ये देखो यूथ कैसे आ रहा है सारा, ये ऐसे ना नीचे बैठ के बजाते होते हैं। ये H&M का शोरूम है पीछे, झाड़ियों के नहीं पेड़ के, H&M का वहाँ से भी है, सही है, सजा हुआ। ये है जी ऑस्ट्रेलियन कबूतर, सही है यार, सही है। आप आओगे ना यहाँ पे सही हो जाएगा सारा काम, देखोगे। ये भी बहुत मशहूर है पिग यहाँ के, इसके सामने मैं चलता हूँ लेके आपको, जहाँ पर मैं कह रहा था ना कि खाने का सामान मिलता। चलो हम उस दुकान पे चलते हैं जिस दुकान पे सामान मिलता है वेजिटेरियन। क्या बात है मायर, वो यूथ आ रहा है सामने। देखो वो जो सामने देख रहे हो ना, उसको हम कहते हैं हिंडले स्ट्रीट। यहाँ पर सारे पब हैं, ठीक है। मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। ये स्पेक्स सेवर्स, जिसकी मैंने लास्ट वीडियो में बात की, प्लेटेपस, यहाँ पर सारे शूज़ वगैरह मिलते हैं, ठीक है, अच्छे वाले। ये देखो मैं ये कह रहा हूँ, सामने है हिंडले स्ट्रीट पब डिस्को, वो गली पूरी की पूरी ना, मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बनाऊँगा। हमारा खाने पीने का सामान भी वहीं पर है। ये देखो सामने जाना हमने हिंडले स्ट्रीट, ये सारे पब पुब यहीं पर हैं सारे। सिटी है सारी, जिसकी मैं बात कर रहा था वो है लॉर्ड ऑफ द फ्राइज। ये सारा मेन्यू है। तो अभी मैं आ गया हूँ, $12 का ले लिया मैंने, सारे इंडियन बंदे लगे हुए हैं। ये पीछे चेक करो, ये मेरे पीछे चेक कर लो, 100% वेगन है। ओके गुड नाइट गाइस, कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही और वीलॉग्स आते रहेंगे इन फ्यूचर में, देखते रहिए रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। बाय बाय।